बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पाकिस्तानी बहुत सारे, मैं पाकिस्तानी लोगों के साथ डिबेट पे बैठता हूँ, सबके सब यही बोलते हैं कि इंडिया में तो कश्मीर में तो एंटी इंडिया एटमोस्फियर है, वो इंडिया के साथ रहना ही नहीं चाहते। वो लोग तो जब डेथ भी हो जाती है तो पाकिस्तानी झंडे में लिपट के जाते हैं। क्या असलियत है इसकी? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो लोग ये पिछले 30 साल से ही दावा करते हैं कि कश्मीर हमारे साथ है और कश्मीरी जो कौम है या कश्मीर की आवाम जो है वो उनके साथ है। मैं आपको इस चीज का ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब एक्सेशन साइन हुआ इंडिया के साथ, हमने तब भी पाकिस्तान को ठुकरा दिया। हमने डिस्पाइट मेजोरिटी जो हमारे यहाँ के लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें लगता है कि हम महफूज है हिंदू मेजोरिटी कंट्री में। एज अगर हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, उनके साथ अगर हम जाएं तो हमारा जो है ये क्या बोलते हैं उससे हमारा स्कोप या हमारा ये कह सकते हैं फ्यूचर डार्क होगा अगर हम उनके साथ जाएं। तो हमने उनको तब भी नकारा था, और आज के जो लोग हैं या आज का जो पिछला, मैं खास ये बता सकता हूँ, कई सालों से बहुत सारे ऐसे कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान के इशारों में चलते थे। मैं ये चीज कह सकता हूँ कि कश्मीरी जो है कौम जो है दे आर इमोशन, उनके साथ इमोशनल, दे आर इमोशनल फूल्स। कुछ ऐसे भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी है जो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने, मैं ये कह सकता हूँ, अपने मफाद के लिए वो पाकिस्तान के झंडे लहराते थे। ऐसा कोई, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन हालांकि ये बोलना कि पूरा कश्मीर हमारे साथ है, मैं भी एक कश्मीरी हूँ, लेकिन मैं कभी ना पाकिस्तानी था ना पाकिस्तानी बनूंगा। मैं भी तो एक कश्मीर का एक हिस्सा हूँ। मेरे जैसे हजारों जो नौजवान है वो दिन भर, मैं आपको विजुअल्स भी दिखा सकता हूँ, फोटोग्राफ्स भी भेज सकता हूँ, जो दिन भर पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी करते रहते हैं, वो पाकिस्तान को हर बार हर वक्त नकारते रहते हैं। मैं आपको इस चीज का जरूर, इस चीज का यहाँ पे एक बयान कर सकता हूँ कि 26 जनवरी को एक दो कश्मीरी थे, मैं और साहिल, जिन्हें क्लॉक टावर, लाल चौक क्लॉक टावर जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे इससे पहले लहराए जाते थे, जो जेकेएलएफ का गढ़ था, हमने उस गढ़ में भी अपने हिंदुस्तान का झंडा हमने ऊंचा लहराया। वहां पे हम भी कश्मीरी है। एक ऐसा भी कश्मीर में तबका है, अगर आपको ये चीज बता दूं कि पाकिस्तान की ओर से यहाँ लगभग मुझे लगता है कि 45,000 से ज्यादा यहाँ पे जो कश्मीरी है वो मारे गए हैं, उनकी गोली से मारे गए हैं। चाहे हम पुलिस कर्मियों के बारे में बात करूं, चाहे मैं यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें आर्मी भी आती है, सीआरपी भी आती है, बाकी जो अन्य हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनकी फैमिलीज को भी टारगेट किया जाता है। इवन यहाँ पॉलिटिशियंस जो होते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पीस एक्टिविस्ट, या इवन मैं आपको लॉयर्स का भी बता दूं, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो भी इनके गोली का शिकार बने हैं। इवन मैं आपको ये चीज, बहुत सारे पत्रकार भी हैं जो ग्रेनेड से भी उनकी जाने गई हैं, गोलियों से भी उनकी जाने गई हैं। तो हाउ कैन पाकिस्तान क्लेम कि कश्मीर उनके साथ है, जब इन लोगों ने इतने सारे नौजवान, जब इन लोगों ने इतने सारे कश्मीरियों का कत्ल किया हुआ है, हाउ कैन दे थिंक कश्मीरी Kashmiris will be with them? It's next to impossible. ना कश्मीर उनके साथ था ना कश्मीर उनके साथ बनेगा। It's next to impossible. और मुझे लगता है कि कहीं हद से अगर हमारा दुश्मन इस चीज से खुश है, इनको लगता है कि 30 साल से वो छाती पीट के ये दावा करता है कि कश्मीरी हमारे साथ, मुझे लगता है और 30 साल उनको सोचने दीजिए, इनकी पूरी GDP इसी चीज में खत्म हो जाएगी, ये चीज क्लेम करते करते कि कश्मीरी हमारे साथ है। कश्मीरी इनके साथ कभी है नहीं, जब तक इनका पूरा देश डूबेगा नहीं तब तक ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। ओके अच्छा, ये कश्मीर में जो कश्मीरी लड़कों के हाथ में, जिनके हाथ में पेन होना चाहिए, जो के डॉक्टर बनने चाहिए, अपने कश्मीर के लोगों का इलाज करना चाहिए, कश्मीर में बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, ऑफिसेस बनने चाहिए, उन सबके हाथ में गन पकड़ा करके कितना नुकसान किया है कश्मीर का पाकिस्तान ने? देखिए, बिल्कुल जहां तक आपके ताल्लुक का सवाल का ताल्लुक है, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे युवा है जो पाकिस्तान के इशारों पे चलते थे, मैं ये चीज कह सकता हूँ कि वो बह गए थे। मैं आपको उस चीज का भी जिक्र कर सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कश्मीरी थे जिनने हथियार पाकिस्तान के इशारों पे थामा था, लेकिन उनने सरेंडर करके वो आज अच्छे अच्छे मुकाम पे काम कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल जरूर बताना चाहता हूँ, माजिद खान एक फुटबॉलर था जो कि पहले हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वो जुड़ चुका था, उसके बाद जब उसको सरेंडर का मौका मिला उसने सरेंडर किया और आज वो फुटबॉल
फुटबॉल में वो फुटबॉलर है वो, एंड वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जब तक, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को सिर्फ इस्लाम के नाम पर एक्सप्लॉइट कर लिया, उनको ये चीज बताया गया कि कश्मीर जो पाकिस्तान है वो सिर्फ इस्लाम है, वो इस्लाम पाकिस्तान है। आज तक कश्मीरियों के दिमाग में ये चीज डाला गया। आज तक ये चीज बताया गया कि सिर्फ एक पाकिस्तानी एक ऐसा मुल्क है जो कि सिर्फ इस्लाम का ठेकेदार है। हालांकि मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मैं ये कसम बुद्धिजीवी जो लोग हैं यहाँ पे कश्मीर में, उन लोगों ने हर बार इनको एक्सपोज किया, उनको ये चीज कहा कि आप इस्लाम के ठेकेदार नहीं है, आप इस्लाम के ठेकेदार नहीं बन सकते, और हम आप वाला इस्लाम हम फॉलो नहीं करते। जो लोग ये सोचते हैं कि एक नॉन मुस्लिम जो कि इनकी रिलीजन से या इनकी सोच से ये मुताफिक नहीं रखते वो काफिर है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कश्मीरी हैं जो इस चीज को मानते नहीं। मैं एज अ कश्मीरी एज अ मुस्लिम खुद भी कह सकता हूँ कि एक चीज है कि मैं कभी इस चीज को मानता नहीं हूँ। मेरी नजर में हर कोई बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इस चीज में मैं ये चीज मानता हूँ हम सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स है। फिर मजहब कहाँ से आता, ये पाकिस्तान ने हमारे दिमाग में डाला था, नो डाउट 30 साल से ये सब चीजें सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे लोग इस चीज में एक्सप्लॉयड भी हुए, बहुत सारे लोग जो इसमें थे जिनने हथियार उठाबा, बहुत सारे ऐसे रेडिकल यूथ थे वो भी इस चीज का शिकार हुए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनने पत्थर थामा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनने पत्थर थाम के उनकी आंखें चली गई, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनने हथियार पत्थर उठा के उनकी जाने चली गई। लेकिन हालांकि मैं आपको ये चीज बता दूं कि आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उन लोगों को ये चीज पता चला कि हमारा दुश्मन जो है वो हमसे कैसे इमोशनल, हमारे इमोशन से कैसे खेल रहा है। हर बार कश्मीरियों के इमोशन से खेला गया। पाकिस्तान ने ऐसा पिछले 30 साल से यही कोशिश किया कि कश्मीरियों के जज्बे, कश्मीरियों के इमोशन से कैसा खेला जाए। एंड हालांकि बहुत हद तक मैं ये कह सकता हूँ वो लोग सक्सेसफुल रहे। उन लोगों ने, मैंने आपको पहले कहा, उन लोगों ने यहाँ मुझे लगता है किसी भी चीज को उन लोगों ने यहाँ पे कमी नहीं छोड़ी कश्मीरियों को मारने में। ये चीज स्टार्ट तब हुई थी 22 अक्टूबर 1947 जब एक कश्मीर एक प्रिंसल स्टेट होया करता था, तब भी कश्मीर जो पाकिस्तान जो थी उनकी आंख तब भी कश्मीर के नाम पे खराब थी, तब भी उन लोगों ने स्टार्ट वही किया, तब उन लोगों ने सबसे पहले कश्मीर पे हमला कर लिया, एंड इट वॉज इंडियन आर्मी एंड इंडिया एज अ कंट्री जिनने उस टाइम उस कश्मीर को बचाया। मैं सलूट उस जज्बे को करता हूँ, इंडियन आर्मी के उस रेजिमेंट को सलूट करता हूँ। मैं मकबूल शेरवानी जो कि हमारा एक युवा था जिनने आज उस टाइम कश्मीर को बचाया, उनकी बदौलत से आज हम ये हक से कह सकते हैं हम कश्मीरी गुलाम नहीं है, हम पाकिस्तान के गुलाम ना थे ना बनेंगे। जब आपने लाल चौक पर झंडा फहराया था तो पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि कुछ कौम के गद्दारों ने झंडा फहराया है, क्या बोलना चाहेंगे आप पाकिस्तान को? देखिए एक चीज है, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम लोग गद्दार है तो यकीन माने कश्मीर में घर घर में हर कोई गद्दार बैठा हुआ है। अगर इनको लगता है कि एक लाल चौक में दो कश्मीरी युवा ने झंडा लहराया और वो गद्दार कोलैबोरेटर या ट्रेटर बन गए, मैंने पिछली बार भी मेरे को एक बार मौका मिला था बोलने के, मैं तब भी बोला कि अगर इन लोगों को लगता है कि कश्मीर कुछ लोगों का नाम ये हिट लिस्ट निकाल के ये कहेंगे दे आर कोलैबोरेटर्स दे आर ट्रेटर्स, तो इस हिसाब से मुझे गली गली कोचे में एक कोलैबोरेटर बैठा है जो ये सोच रहा है कि कोई पाकिस्तानी हमारे सामने लगा हम उसको मौत के घाट उसके उतार देंगे। क्योंकि मैंने आपको ये चीज कहा कश्मीरियों का इन लोगों ने इतना नुकसान कर लिया, किसी की बात नहीं है, ये सिर्फ जान की बात नहीं है। आजकल इनकी वजह से एक कश्मीरी को, एक आम कश्मीरी को एक टेररिस्ट की नजर से देखा जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पे भी एक मुसलमान, आप कश्मीर भी छोड़िए, अगर एक मुसलमान ट्रैवल करता है तो उसको एक सस्पिशियस नजर से देखा जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान का किया धरना है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ एक्सप्लॉइट किया। जो लोग ये दावा करते हैं कि ये ट्रेटर है, मैं ये चीज मानता हूं इनको, ट्रेटर तो वो लोग हैं जो लोग यहाँ बंदूक बेचते हैं, आतंकवाद वो लोग हैं जो यहाँ वहां के बेगुनाह आवाम को ये चीज बताते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, आप हथियार उठाए। जब वो लोग हथियार उठा के यहाँ वापस आते हैं उनको पता चलता कि पाकिस्तान एज ए मुल्क उनने हमसे झूठा वादा किया। मुझे अभी भी याद है ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट जो यहाँ, इवन मुझे याद है कि उड़ी में एक पकड़ा गया था, जब उसका स्टेटमेंट आया था उसने ये कहा था, मुझे बोला गया था कि कश्मीर में ज्यादती हो रही है, कश्मीर में कहीं अजान नहीं हो रही है, कश्मीर पिछले 30 साल से बंद है। जब मैं यहाँ आया यहाँ मैंने टोटल डिफरेंट देखा, मुझे ये चीज नहीं पता था कि कश्मीर इतना डेवलप्ड है, जो हम सोच रहे थे कि कश्मीर पूरा बंद है। लेकिन जब हम यहाँ आए, हथियार मैंने यहाँ लाया, जब मैं यहाँ बॉर्डर में क्रॉस किया तब मुझे असलियत का पता चला। उसने माफी मांगी थी आवाम से और उसने वीडियो भी तब जारी किया था कि मैं वहां की आवाम से ये चीज जरूर बोलना चाहता हूँ कि कृपया करके इनके इस साजिश में ना पड़िए।
राइट आपने जैसे डेवलपमेंट की बात की कि एक टेररिस्ट ने भी बोला कि कश्मीर कितना डेवलप्ड है। हमारे एक व्यूअर हैं शांतनु, वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट है, आपको पिछले अगर सीधे बोलूं तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखा है कि डेवलपमेंट हुई है या कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, जैसा वो क्लेम करते हैं पाकिस्तानी कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद तो बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकल सकता और ऐसा कुछ। और एक और क्वेश्चन आया हमारे